प्रशांत पटेल जी, जी एक तो बहू बनाम बहू की बड़ी चर्चा है। मैं नहीं जानता लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, क्योंकि भाजपा भी बड़ी कौतुकी पार्टी है अब। लेकिन अगर ऐसा मुकाबला हुआ तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। और एक विषय ये आपके विरोधी कह रहे हैं कि भाई हम पर सवाल उठे, उससे पहले भाजपा को ने भी अभी तमाम टिकटें होल्ड कर रखी, उसमें ब्रजभूषण से लेके वरुण गांधी से लेके मेनका तक तमाम लोग हैं, संतोष गंगवार तक। प्रशांत पटेल जी, आपने भी इंतजार को लंबा कर दिया, बड़े बड़े सूरमा इस वक्त सांस रोके घूम रहे, नहीं चाहे बीके सिंह हो, चाहे वरुण हो, चाहे मेनका हो। जी अमिताभ जी नमस्कार। जी नमस्कार भैया। देखिए आज अगर इस 18वीं लोकसभा में देखें तो सबसे अधिक जो कैंडिडेट पूरे देश में घोषित किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं, लगभग 300 के करीब जो हमने जो अपनी सीटें हैं डिक्लेयर कर दी हैं। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो पहली लिस्ट में 80 में से 51 भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दी है, और 4-5 सीटें हमारे सहयोगी दलों ने घोषित कर दी। लगभग 56-57 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया। अगर इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में और चुनाव लड़ने वाले किसी दल ने घोषित की हो तो बताइए, 2/3 से अधिक तो हम घोषित कर चुके हैं जब चुनाव की घोषणा ही नहीं हुई थी। और 23-24 सीटें ही उत्तर प्रदेश मात्र बची हुई हैं, और वही भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जानकारी के लिए 22-23 तारीख तक सारी जो सीटें वो भी डिक्लेयर हो जाएंगी, और उसमें कोई बहुत विलंब वाली बात नहीं, और बाकी अन्य राज्यों की भी घोषित हो जाएंगी। तो हम सभी दलों से फिर भी हम आगे रहेंगे। और आपका प्रश्न वाजिब है कि अगर कांग्रेस को 17 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली हैं, और कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है, 3 राज्यों में उनकी सरकार है, और उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार रहा है, तो उनको भी घोषित करने से, खास करके अमेठी और रायबरेली में भी कम से कम तो वहाँ पे 2 जगह तो घोषित कर देते, जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर राहुल गांधी अपना निश्चित करें कि यहाँ पे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना। पिछले चुनाव समिति भी जो कांग्रेस की हुई थी उसमें भी राहुल जी को जुड़ना था वर्चुअली, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए। तो कांग्रेस का शीर्ष नेता तो ये परेशान है कि राहुल जी क्लियर करें कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अभी तक तो कांग्रेस छोड़ो यात्रा में बिजी थे, लेकिन वो यात्रा भी अब तो समाप्त हो चुकी है। अब हो सकता है कि वो डिक्लेयर कर दें, तो प्रश्न उन पर बनता है। बाकी हम लोग तो पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं, और कौन लड़ेगा, मैनपुरी से कहाँ लड़ेगा, कैसरगंज से कौन लड़ेगा, वो हमारी चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। जैसे चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें निश्चित तौर पर उसके अगले दिन ही स्पष्ट हो जाएगा, उसकी लिस्ट आ जाएगी, उत्तर प्रदेश में सारी 80 की 80 सीटों की लिस्ट आ जाएगी। नहीं अच्छा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से अभी तक उनकी उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई, और वो कुछ बादल जो है वो घने हैं, संभावना ज्यादा यही कि नहीं लड़ रहे हैं। ठीक, इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ फील गुड हो रहा है? पिछली बार भी राहुल जी लड़े थे अमेठी में, परिणाम आपको पता ही है, और शायद उनको इस बार भय है कि देखिए राहुल जी ने अपना कैंडिडेट तो वायनाड से उनकी पहली लिस्ट में घोषित हो गया, लेकिन अमेठी से अभी तक नहीं घोषित हुआ है। इसका मतलब कि उनको भय है कि वो इस बार भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सोनिया जी के तो चलिए समझ में आता है, उनका स्वास्थ्य का हवाला देकर के उनकी आयु अधिक है। प्रियंका जी भी हिम्मत नहीं कर पा रही है, 2022 के चुनाव में प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में लीड रोल में थी, कोई परिणाम नहीं निकला, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों लोग हिम्मत कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की। संजय राणा, एक मतलब दो ढाई तीन दशक से मैं एक फ्रेज सुन रहा हूं कि कांग्रेस का ट्रंप कार्ड, तुरुप का पत्ता प्रियंका है, बंद मुट्ठी है, जब खुलेगी तो जलजला आ जाएगा। क्या मैं उस पर कोई प्रतिवाद नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं अगर वो मुट्ठी है बंद और तुरुप का पत्ता है तो ऐसे बुरे वक्त में तो खुली जाना चाहिए। नहीं, जब कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की, 44 पर आ गई लोकसभा में, तो खुली जाना चाहिए। नहीं, अभी नहीं आएंगी मदद करने प्रियंका जी तो कब आएंगी? या तो वो ये सोच रही होंगी प्रियंका जी कि 44 से भी नीचे जाएगी तब हम आएंगे 29 के चुनाव में। वैसे हमारे जैसे राजनीति के विद्यार्थियों के समझ ये कहती है कि यही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टाइम है कांग्रेस के लिए, जब भाई और बहन दोनों को मोर्चा संभालना चाहिए। संजय राणा,
देखिए अमिताभ जी, देखिए एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो जो खाक की मुट्ठी वो खुल चुकी है। देखिए ऐसा है कि किसी भी नेता को, किसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो होता है, हार जीत चुनाव में लगी रहती है। अगर आपको लग रहा है कि आप हार भी जाओगे फिर भी आपको आके चुनाव लड़ना चाहिए। इसे भी हमारे मित्र बोल रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी चार चार जगह से नहीं, वो परिस्थितियां दूसरी थी। तारिक खान अभी नौजवान लोग हैं, वो सत्ता, वो परिस्थितियां दूसरी थी। अभी वो उससे तुलना मत करिए, वो विषय बदल जाएंगे। देखिए बिल्कुल उस तुलना में नहीं कर रहा हूं, ये बोलना चाहते हैं। देखिए नेता है, आपको नेतागिरी करनी पड़ेगी। जनता आपको एक्सेप्ट करती है, आपकी विचारधारा से भी एक्सेप्ट करती है, आपके फेस वैल्यू से। देखिए अभी 2022 का चुनाव हुआ, तो बोला गया था, पहले बोला जाता था कि इंदिरा गांधी का प्रतिबिंब है इनके अंदर, ये उनकी कॉपी दिखती है, इंदिरा जी की तरह दिखती है। 22 में आपने देखा था लड़की लड़ सकती है, धराशाई हो गई लड़की, तो मतलब टाटा एफोस 98% जो सीट थी, जगह थी, वहां पे जमानत जब्त हो गई थी। तो देखिए ऐसा होता है कि आप सिर्फ बोल देने से, कमरे में एयर कंडीशन के चार आदमी बैठ गए और बोल दे कि हमारी नेता ये है और ये सुपर लीडर है, ऐसा नहीं होता। धरातल पे क्या है, कौन कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपने देखा होगा तकरीबन 2002 से बोला जा रहा था, 2004 में जब राहुल गांधी साहब लॉन्च हुए थे, उसके बाद जब ये कंटिन्यूअसली हारने लगे 14 के बाद, बोला गया इनको लाया जाए। भाई इनको लाया गया, प्रयोग किया गया, लेकिन प्रयोग फिर फेल हो गया है। नहीं, अभी वो खुद चुनाव नहीं लड़ी, ठीक है संजय राणा, अभी रुकना होगा, मैं प्रेम नारायण भाई के पास चलूंगा। प्रेम नारायण जी, ममता बनर्जी ने कहा था, हालांकि अब उनसे आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहे, उन्हें सीट नहीं दी बंगाल में, लेकिन फिर भी गठबंधन में तो है, अभी छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि प्रियंका बनारस में चुनाव लड़े इंडिया गठबंधन की तरफ से। चलो बनारस ना सही, वहां मामला कड़ा हो जाता, लेकिन अपने घर से तो लड़ना चाहिए। आखिर कब तक ये रहेगा कि प्रियंका जी आएंगी नहीं? कौन जीता है तेरे जुल्फ के, एक शेर आपको समर्पित करते हैं। तारिक खान आप भी सुन लो शेर, भाई आपको शेर और शायरी की समझ है। कौन जीता है ये कांग्रेस के लिए, प्रियंका जी के संदर्भ में कह रहे हैं, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। क्या कब आएंगी, अभी नहीं आएंगी तो 44 पर आ गई पार्टी। अगर प्रियंका जी कुछ कर सकती है, रिजल्ट दे सकती है, तो उनको लड़ना चाहिए नहीं? नहीं, पहली चीज तो अभी जैसे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि उन्होंने कहा था ये मेरा घर है, उस घर को लेकर के एक बहुत बड़े नेता हमारे देश में है, जो कहीं से भी गुजरते हो, वो शमशान से, कब्रिस्तान से, टेलीफोन टावर से, गंगा के किनारे से, कहीं भी, तो उनके सब जगह से रिश्ते हो जाते हैं, उनके घर हो जाते हैं, तो क्या वो सारे घरों से चुनाव लड़ रहे हैं? पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, समस्या ये है अमिताभ जी, बड़ा कभी कभी लगता है कि स्थिति क्या है। स्थिति ये नहीं है कि प्रियंका जी चुनाव लड़ रही या नहीं लड़ रही। अच्छा, प्रियंका जी स्थिति एक एक कार्यकर्ता, देखिए ये कोई उसकी बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी चुनाव में लगातार अपने तरीके से संगठन पे काम कर रही है, बूथ से लेकर के सेक्टर से लेकर काम कर रही है। कांग्रेस ने जब जब काम किया है सभी के लिए काम किया है। कांग्रेस ने आगे चुनाव लड़ने के लिए जो बातें की उस पर काम कर रही है। चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये पार्टी तय करेगी, और जो सभी को ध्यान में रख के। दरअसल क्या है, ये चाहिए मीडिया को, मैंने फरवरी कहा उतना, राहुल प्रियंका जी घोषित हो जाए तो बोले वो घर ही घर लड़ रहे हैं, और अगर वो घोषित अभी नहीं हुए तो वो क्यों नहीं हुए, और घोषित हो जाए तो फिर इनमें से ये कैसे घोषित हो गए, इनमें से ये कमजोर है ये मजबूत है। जैसे RLD उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में था, उसका कोई वजूद नहीं था, NDA में पहुंच गया, बोले वो पश्चिम उत्तर प्रदेश अब एकदम खाली हो गया। तो बड़ी चीज ये नहीं है ना, हमारी नजर में हमारे कार्यकर्ता की नजर में, और ये खाक हो गई, राख हो गई, ठीक तो मुझे समझ ही में नहीं आता। ठीक है प्रेम नारायण जी, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी, ठीक है, आ गई बात, आ गई भाई, आ गई, आ गई बात, आ गई। कतई न लड़ो, पूरे जीवन चुनाव लड़ाने वाले बने रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत क्या? ठीक है, रुको भाई, रुक जाओ दादा, अरे रुको दादा। तारिक खान के पास मैं चलूं, सवाल दूसरा लूंगा, लेकिन एक उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के 52 और 57 के चुनाव का जिक्र किया, तो उस पर मैं एक टिप्पणी जरूर कर दूं कि जब ये विषय आया कि जनसंघ लड़े कि नहीं लड़े, उस वक्त स्थिति ये थी तारिक कि न दफ्तर था, न मेज कुर्सी थी कहीं, न बोर्ड लगा था, न कार्यकर्ता थे, ठीक देश में। तो हुआ कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी को 3 जगह से लड़ाया जाए,
तो कुछ लोगों ने कहा कि वाजपेयी जी को क्यों तीन जगह से अटल जी को लड़ाना चाहते हैं। तो दीनदयाल जी ने कहा कि हारेंगे लेकिन कम से कम पार्टी का नाम तो लोग जानेंगे जहां जहां वाजपेयी जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए वो लड़ाई कैसी थी वो पता है, इसलिए उस विषय को यहां तो अरे एक मिनट भाई तुलनात्मक करिए। मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी समझ ये कहती है कि गठबंधन में दोनों पार्टियां जोर लगाएं, दोनों पार्टियों के बड़े नेता युद्ध में उतरे, बड़े सेनापति, तो एक माहौल बनता है। नहीं, अमेठी से कोई रामलाल श्यामलाल लड़ेगा, रायबरेली से भी लड़ेगा, कोई खाली तो जाएगा नहीं, सीट अगर दी है कांग्रेस को, ठीक। लेकिन अगर राहुल गांधी और प्रियंका जी लड़े थी तो कुछ आपको भी सपोर्ट मिलता। नहीं, बड़ा नेता जहां से भी चुनाव लड़ता है उसके चुनाव लड़ने का बात केवल ये नहीं होती कि वो अपनी सीट के लिए लड़ रहा है, वो उस इलाके को भी जागृत करता है, ऐसा मेरे जैसे छोटे लोग मानते हैं। तारिक खान, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही, आ रही भाई, आ रही। मैं कह रहा हूं बड़े नेता फिर डिप्टी सीएम भी तो हैं दोनों, वो लोग लड़ जाए ना, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, वो भी तो बड़े नेता है, आके लड़े ना मैनपुरी, तब भी तो बात बनेगी, तब भी क्या दिक्कत है भाई, बढ़िया मुकाबला होगा, और उनको तो हारने की आदत है, मौर्या जी को फिर हार जाएंगे एक बार हारे फिर हार के राज्यसभा चले जाएंगे, विधानसभा हारे एमएलसी बनो, लोकसभा हारे राज्यसभा, जब क्या कॉम्बिनेशन है, मजा आ गया। अच्छा, अटल बिहारी की बात की तो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, मुरली मनोहर का किया जा सकता है, इलाहाबाद से लड़े फिर कानपुर चले गए हार के। ये भी तो सीट बदलने में किसको ऐतराज है बाबू, डिस्कशन हो रहा है कि वायनाड में दिक्कत है बदलने में। ना ना, आप समझ ही नहीं पा रहे उस विषय को, आप उस विषय को छोड़ दो बाबू, उसको छोड़ दो, आप छोड़ दीजिए उस विषय, दूसरा विषय आप पर चर्चा कर लो, है ना, आप समझ नहीं पा रहे दोस्तों उस बात को, ठीक। गांधी पट्टी, अरे रुको भाई, गांधी पट्टी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। जब अखिलेश यादव जन्मे नहीं थे तब फिरोज गांधी वहां से चुनाव लड़के जीते थे, समझ गए ना आप, और जब आप भी नहीं जन्मे थे तब अटल बिहारी लड़ते थे, इसलिए भाई साहब ये मत समझाओ। नहीं नहीं नहीं, आओ, आप जब नहीं जन्मे थे तब भी तो अटल बिहारी लड़ते थे 51। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी ये कहा, एक क्षण रुकिए, आप पहले आपसे आज ये लंबी चर्चा इसी विषय पर हो जाए ताकि वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए। एक मिनट भाई तारिक, एक मिनट तारिक भाई रुकना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कब कहा कि ये मेरा घर है, यहां से कोई माई कलाल दूसरा कैसे लड़ने आ गया, किसी इलाके के लिए बोला, वो तो गांधीनगर से भी जीत लड़े, नई दिल्ली से भी लड़े, बलरामपुर से भी लड़े, मथुरा से भी लड़े, लखनऊ से भी लड़े, तो डर था ना, जहां जहां हारने का डर होता था तो छोड़ देते थे, जब लखनऊ कई बार लड़के नहीं, आपकी बात मैं मान ली, तारिक खान अब इस थेतराई में मैं नहीं पढ़ सकता, आपकी बात मान ली, ठीक, मैं थेतराई में नहीं पढ़ सकता आपके साथ, नहीं तो यही बात है, ना 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 मैं नहीं, वो मेरा स्तर नहीं मित्र, मैं थेतराई में नहीं पढ़ता, ठीक, रुक जाइए, आ गई बात आपकी, आ गई, जो कांग्रेस अपने को डिफेंड नहीं कर रही वो सपा डिफेंड कर रही है कि राहुल गांधी वायनाड क्यों चले गए, गजब हो गया, ये बात नहीं है, गजब कर दिया है, अपना तो देख लो यार, पहले 3 सीट है लोकसभा में और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो यार, आप रामपुर हार गए, आप आजमगढ़ हार गए, जहां से अखिलेश खुद थे, वो गजब बात करते हो भाई, ठीक ठीक, नहीं नहीं अपना तो हर्ष देखो मित्र, कांग्रेस अमेठी हार जाए, रामपुर सपा हार गई, छोटी घटना है क्या, अब वायनाड को डिफेंड कर रहे हैं, अरे आप आजमगढ़ देखो, रामपुर देखो भाई, आप कहां वायनाड चले गए, आपको वायनाड में से कुछ करना है नहीं ना, सपा को क्या लेना देना वायनाड से, उसको तो जाना नहीं कभी, चलिए ठीक है, प्रशांत पटेल, ठीक, अरे रुक जाइए भाई,